फिल्मों में आने से पहले नक्सली थे मिथुन चक्रवर्ती। भाई की मौत ने बदल दी जिंदगी, बन गए बॉलीवुड के मिथुनदा। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल पीएमएस मीडिया की बॉलीवुड से जुड़ी खबरों में आपका बेहद स्वागत है। ऐसी ताजी तरीन खबरें एक अलग ही अंदाज में अपनी स्क्रीन पर पाने के लिए हमारे चैनल पीएमएस मीडिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर दीजिए बेल आइकन। एक वक्त था जब मिथुन चक्रवर्ती ने बेशक खूब नाम कमाया था और स्टारडम भी, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब उन्हें इस बात की चिंता रहती थी क्या वो खाना भी खा पाएंगे या नहीं। ये वो दौर था जब उनकी फिल्मों में एंट्री नहीं हुई थी, वो स्टेज पर डांस करके ही अपनी जीविका कमा रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संघर्ष के दिनों में मिथुन इस कदर मजबूत हो गए थे कि उन्हें कैफे डांसर और एक्ट्रेस हेलन का असिस्टेंट बनना पड़ा था। मिथुन चक्रवर्ती की जिंदगी की कहानी तब से शुरू होती है जब वो एक नक्सलाइट थे, लेकिन एक हादसा हुआ और उनके भाई की मौत हो गई, जिसकी वजह से उन्हें अपने परिवार में वापस लौटना पड़ा और उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई। मिथुन को डांस का बहुत शौक था और इसी के चलते उन्हें स्टेज शो से शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया। वहाँ से निकलने के बाद मिथुन चक्रवर्ती को उनकी पहली फिल्म मिली जिसका नाम था मृग्या। ये फिल्म न केवल जबरदस्त हिट रही बल्कि इसके लिए मिथुन दा को पहला नेशनल अवार्ड भी मिला। मिथुन को लगा शायद उनके दिन फिर गए हैं, लेकिन पहली हिट के बाद जैसे मिथुन के पास फिल्मों का अकाल हो गया। उन्हें 2-3 सालों तक कोई फिल्म मिली ही नहीं, यदि एक आधी फिल्म मिली भी तो वो चली नहीं। मिथुन जी तोड़ संघर्ष कर रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था और इसी वजह से उनके डांस का जुनून भी दम तोड़ रहा था। उन दिनों बॉलीवुड की कैबे डांसर हेलन का चार्म खूब चरम पर था। हर फिल्म में हेलन का एक न एक गाना जरूर रखा जाता था जो कि सुपर डुपर हिट होता था। क्योंकि फिल्मों के लिए मिथुन दा का संघर्ष जारी था, इसलिए उन्होंने सोचा कि डांस के शौक को ही पूरा कर लिया जाए और ये सोचकर वो हेलन के असिस्टेंट बन गए और अपना नाम बदलकर उन्होंने राणा रेस रख लिया ताकि उन्हें कोई भी पहचान ना पाए। इसी बीच उन्हें अमिताभ बच्चन की एक फिल्म में छोटा सा रोल ऑफर हुआ जो कि उनके लिए ऊंट के मुंह में जीरा वाली स्थिति थी, लेकिन कुछ ना करने से बेहतर था कि कुछ किया जाए। यही सोचकर मिथुन चक्रवर्ती ने बिना देर किए मौका अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने सोचा बड़े रोल और बड़ी फिल्मों का इंतजार करते करते कहीं ऐसा ना हो कि उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। ये सोचकर उन्होंने फिल्मों में जूनियर एक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो जूनियर आर्टिस्ट से बॉलीवुड के डिस्को डांसर बन गए। उनके डांस और दमदार डायलॉग्स ने लोगों पर ऐसा जादू किया कि सभी लोग उनके दीवाने हो गए। तो ये थी दर्शकों मिथुन के नक्सली से मिथुन दा बनने की कहानी। इसी के साथ दीजिए बॉलीवुड जानकारियों से इजाजत, फिर मिलेंगे जल्द ही ऐसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।